नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमस्ते जी। नमस्ते सेठ जी, तैयार हो गए? सेठ जी तो आपके साथ मंदिर गए थे। मेरे साथ मंदिर गए थे? क्या बात कर रहे हो? लगता है आज फिर आप उन्हें भूल आए। हो गई गड़बड़, अब सेठ जी आएंगे कैसे? जगत सारे रखो, सारे रखो। जगत चिरकुट, चिरकुट आया सेठ जी, आया, अभी हाजिर हुआ। अब माफ कर दीजिए, थोड़ी गलती हो गई। माफ कर दीजिए सेठ जी। कब तक माफ करूं? कितनी बार माफ करूं? सेठ जी मैं जानबूझकर थोड़ी करता हूं, मुझे तो बीमारी है भूल जाने की। हो गया। तू खाना खाना तो नहीं भूलता, सांस लेना तो नहीं भूलता, ये कपड़े पहनना तो नहीं भूलता, पगार लेना भी नहीं भूलता। पगार से याद आया सेठ जी कि इस बार पगार मुझे जरा जल्दी चाहिए। पगार? वो क्या होता है? मैं भी भूल गया। जी सेठ जी, सेठ जी मैं गरीब आदमी हूँ, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे मैंने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढने के लिए बोला था, लड़का ढूंढा। लेकिन सेठ जी आपने बताया नहीं लड़का कैसा चाहिए। अरे लड़का कैसा भी होगा चलेगा, बदसूरत होगा तो भी चलेगा, लेकिन दौलत मुझसे ज्यादा होनी चाहिए, मुझसे बड़ा बंगला होना चाहिए, हिंदुस्तान के हर शहर में एक बंगला होना चाहिए, एक बंगला बने न्यारा। ए राजा चल। ये ले अपने कपड़े पहन। साहब जी। राजा आजा आजा आजा। भैया आज तू ये आजाद सिंह की जेल से आजाद हो रहा है। अच्छा। ये ले, ये रही तेरे 16 महीने की कमाई। पैसे पैसे। भैया मैंने तुम्हारी फाइल पढ़ी, नाइस, आखिर तुम सच्चे निकले। कोर्ट को मानना ही पड़ा कि मंत्री जी की कार को तुमने बम से नहीं उड़ाया था। हाँ, कोर्ट ने मान लिया, मगर 16 महीने पहले मैं चीख चीख कर बोलता रहा कि मैंने बम नहीं लगाया, तब आप लोग मुझे घसीट घसीट के यहाँ लाना चाहते थे, मेरी जिंदगी के 16 महीने खराब कर दिए, कहाँ से लाऊं मैं 16 महीने अपने। भैया समझ में नहीं आ रहा है कि जब बम ब्लास्ट तुमने नहीं किया तो तुम पकड़े कैसे गए। साहब जी जब आदमी का वक्त खराब होता है ना तो हाथ आई मुर्गी भी हाथ से निकल जाती है। वेरी सैड, लेकिन जो हो गया सो हो गया। देखो जैसे हर बाप अपनी बेटी को विदा करने से पहले ये कहता है ना कि बेटी ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से दोबारा तुम्हें लौट कर आना पड़े, वैसे ही मैं अपने हर कैदी से यही कहता हूँ, ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हें यहाँ वापस लौट कर आना पड़े। गुड, वेरी गुड। अब यहाँ से तुम सीधे अपने घर वापस चले जाओ। सर मैं घर जाऊंगा लेकिन वाया दुबई। ओ ये हाँ ओके नमस्ते। अंगूठी? नहीं नहीं घर भूल गया हूँगा।
बेटा बेटा माँ माँ तू रो रही है। देख माँ अगर तू रोएगी ना तो मैं भी रो दूंगा। तुझे इतने दिनों बाद देखा बेटे, इसलिए आंसू आ गए। नहीं माँ, माँ देख मैं तेरे लिए क्या ला, ये पकड़। ये माँ ये तेरे लिए शॉल, ये दुबई की साड़ी, और माँ तेरे लिए मैं चप्पल भी लाया हूँ। इतनी नरम चप्पल है, तू पहनेगी ना तेरे पाँव में एक कंकड़ नहीं चुभने वाला। ये ले, ये बड़ा आया माँ का ख्याल रखने वाला। वहाँ दुबई में मेरी याद आती थी क्या? दुबई नहीं माँ, मैं तुझे हर पल हर घड़ी याद करता था माँ। राजा तो इतना गोरा कैसे हो गया? माँ क्या था, सब कुछ एयर कंडीशन था, कोठी भी एयर कंडीशन, गाड़ियाँ भी एयर कंडीशन, सब कुछ एयर कंडीशन, सूरज दिखता नहीं था ना वहाँ। फिर तो तुझे यहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। कैसी बातें कर रही है माँ, सारी उम्र मैं यहाँ रहा और 2 साल में वहाँ का हो जाऊंगा? कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, विदेश जाकर तू जरा भी नहीं बदला। अरे बेटे तेरे हाथ इतने सख्त कैसे हो गए? हाँ गाड़ी थी ना मेरे पास, बड़ी महंगी गाड़ी थी, इसलिए मैं ड्राइवर को देता नहीं था चलाने के लिए, खुद ही चला लेता था। चला चला के हाथ ऐसे सख्त हो गए। अब तेरा प्यार मिलेगा ना माँ तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। अब तू लंबा सफर करके आया है, थक गया होगा। अरे खाक थक गया माँ, 2 घंटे में यहाँ पहुँच गया हूँ। 2 घंटे में और क्या, हवाई जहाज से जो आया हूँ। तू हवाई जहाज से? अब माँ अब तू एक काम कर, अपनी सारी चीजें बैठ के देख, और तेरे लिए मैं परफ्यूम की बोतल भी ले आया हूँ। ओके, और मैं चला अपने दोस्तों से मिलने माँ। तेरी उम्र तो गंगा नदी से भी कम है यार। माँ कसम राजा तेरा, कब से अपुन बात कर रहे हैं यार राजा। अरे अपुन को तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजा अपने आंखों के सामने है। राजा ये तो बता, तू जेल तोड़ के आया दीवार फांद? अरे ना भाई, जेल तोड़ के आ ना भाई, दीवार फांद क्या, मैंने कोई जुर्मी नहीं किया भाई, मैं तो सीधे चल के आ रहा हूँ। अच्छा, मेरा बॉडी एकदम सॉलिड हो गया यार। सही है सॉलिड राजा। यार अपने को भूख लगी है यार, खाने को भूख लगी है, भूख लगी है, खाने को मिलेगा, इसको भूख लगी है, भूख लगी है। यार बरसों से खाना नहीं खाया, ये देख पेट, देख मेरा पेट, देख। लेकिन राजा बरसों से भूखे हैं यार। हाँ ये राजा आज पार्टी देना यार। हाँ यार पार्टी। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ यार। अबे बहुत दिनों बाद नहीं, जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है। खा बे। राजा ये सब खाने से मेरी तबीयत नहीं खराब होगी ना? अबे ये तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? इतना अच्छा खाना खाने से कभी किसी की तबीयत खराब होती है क्या? राजा टक्कर मार रहा है। सीमलेस। अरे जान दे यार, खान दे यार। और राजा अपना क्या है ना, अपने पेट को ऐसा आदत नहीं अच्छा अच्छा खाने को, और आपने वो फूड पॉइजन हो गया तो किस्मत ही चमक गई। आज की तारीख में वो दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी है। मतलब ये कि कल तक 500 रुपए कमाने वाला मामूली क्लर्क था, आज 500 करोड़ का मालिक बन गया। हाँ यार भाई, लालवाणी साहब की दरिया दिली का भी जवाब नहीं। उनकी इकलौती लड़की उनके ऑफिस के एक मामूली क्लर्क से इश्क लड़ा बैठी, बजाय उसे नौकरी से निकालने के उन्होंने उसे अपना दामाद बना लिया। काश हमारी भी किस्मत ऐसे ही चमकती। हाँ यार खाली पीली टेंशन मत ले असलम। देख ब्लैक के धंधे में ऊपर नीचे होते रहता है यार। इस हफ्ते बॉबी देओल की पिक्चर लगने वाली है, अपुन को अंदर से रिपोर्ट मिली एकदम सॉलिड पिक्चर है, टिकट खरीद डाल। अरे क्या खरीद डाल साला, जेब में 250 रुपए पड़ा है, पैसा होता ना 300 टिकट खरीदता और एक टिकट 300 में बेच डालता मैं। समझे यार। अरे ये अपना माइकल जैक्सन पंकज उदास कैसे बन गया? अरे राजा पलट, तेरा ध्यान किधर है? ए राजा हारे हुए लीडर की तरह मुंह लटका के बैठा हुआ है क्या? अरे पता तो सही, बात क्या है? कुछ नहीं, सोच रहा हूँ। मगर पता तो चले तू सोच क्या रहा है।
कल शादी में मेरी आँख खुल गई और मुझे पता चला कि करोड़पति बनना कितना आसान है। करोड़पति बनना आसान है? ये शहर देख रहे हो, यहाँ हजारों करोड़पति लोग हैं, सिर्फ एक करोड़पति लड़की ढूंढनी है, उसे पटाना है, उससे शादी करनी है और राजा करोड़पति बन गया। सोचना आसान है राजा, पर होना मुश्किल। मुश्किल ही है ना, नामुमकिन तो नहीं। अरे मैं भटक गया था, मैं हमेशा यही सोचता था कि अकल और मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन ये गलत है। उस दूल्हे ने मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे नई राह दिखाई। मैंने डिसाइड कर लिया है, आज के बाद सारे काम छोड़कर सिर्फ करोड़पति लड़की ढूंढना है बस। जहां चाह है वहां राह है। सच्चे दिल से चाहो तो भगवान भी मिल जाता है, ये करोड़पति लड़की क्या चीज है? क्यों असलम, तुम लोग मेरे साथ हो ना? क्यों नहीं यार, अब जिंदगी का एक ही मकसद, राजा होगा उसका पति जो होगी करोड़पति। अपने बलवंत की तो किस्मत ही चमक गई, मतलब ये कि कल तक 500 रुपए कमाने वाला मामूली क्लर्क था, आज 500 करोड़ का मालिक बन गया। राजा। हाँ माँ। बेटा तू मुझसे वादा कर कि अब दोबारा दुबई नहीं जाएगा तू। माँ मैं तो खुद दुबई नहीं जाना चाहता, माना कि वहाँ सब कुछ है, खाने के लिए है, पीने के लिए है, लेकिन माँ आजादी नहीं है वहाँ। अच्छा, अब तो माँ सिर्फ तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा। इतना पैसा कमाऊंगा कि अपनी माँ को सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा। हे भगवान, इतना पैसा कमाने के लिए तो 20-25 साल लग जाएंगे। एक साल माँ, सिर्फ एक साल, ऐसा शॉर्टकट मारूंगा कि तेरा बेटा सीधा करोड़पति बन जाएगा। देख जल्दी पैसा कमाने के लिए तू कोई गलत काम मत करना। हाँ गलत काम? माँ तुझे ऐसा लगता है तेरा बेटा गलत काम करेगा? हाँ? नहीं बेटे, मगर मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। वैसे एक बिजनेस मेरे दिमाग में आया है, उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मेरी माँ का आशीर्वाद मुझे मिल जाए तो बस काम ठीक हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा है तेरे साथ। आके सीख गई यार, अब तो आ जा। आ गई राजा, इसी बस के अंदर तेरे सपनों की रानी आएगी, देखना। देख देख कितनी प्यारी प्यारी लड़कियां उतर रही है। वाह, जब भी सोचेगा छोटी सोचेगा। बी कैटेगरी के सी क्लास लोग, छोटे लोग, न जाने इनकी औकात क्या होती है, नदी में पैदा होते नाले में मर जाते हैं। चीपनेस। इसको बोलते हैं लड़की। देख क्या लड़की उतरी है। यारों मैं पागल हो गया हो गया।
तुझे ढूंढ रहा, नाम पता तेरा पूछ रहा, किस नंबर पे करूं टेलीफोन, दिल में तलाश तेरी सर पे जुनून, अफला 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 तू, अफला तू लगता है वो कहीं छुपी हुई है, बर्बादी तो मेरी किस्मत की गाड़ी कहीं पे रुकी हुई है, ऐसा लगता है वो कहीं छुपी हुई है, किस्मत की गाड़ी कहीं पे रुकी हुई है, वो मिल जाए तो आ जाए दिल को जरा सुकून, जुल्फों को मेरी जंजीर बना दे, ओ, मेरी जान की परवाह ना कर तीर चला दे, अपनी जुल्फों को मेरी जंजीर बना दे, मेरी जान की परवाह ना कर तीर चला दे, माफ किया जा तुझको कातिल मैंने अपना खून, अफलातून मैं हूँ अफलातून, अफलातून अफलातून ये है अफलातून। गोरी हो या काली हो कोई भी चलेगी, चलेगी रे, पर वो पैसे वाली हो कोई भी चलेगी, गोरी हो या काली हो कोई भी चलेगी, पर वो पैसे वाली हो कोई भी चलेगी, मुझको क्या वो साड़ी पहने या पहने पतलून, अफलातून मैं हूँ अफलातून, अफलातून अफलातून पूछ रहा, किस नंबर पे करूं टेलीफोन, दिल में तलाश तेरी सर पे जुनून, अफला 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 अफलातून, अफलातून मैं हूँ अफलातून, अफलातून रे अफलातून।
तो मर गया बेचारा। असलम बहुत बड़ा जीनियस था वो। अरे ला बहुत बड़ा, हर क्लास में फर्स्ट क्लास फर्स्ट। अरे क्या फायदा इसी पढ़ाई लिखाई का, लाइफ का कोई ठिकाना ही नहीं रहा उसका। इसीलिए तो अपन ने पढ़ाई लिखाई में टाइम वेस्टेज नहीं किया। सब किस्मत का चक्कर है यार। ये देख, ये अपॉइंटमेंट लेटर देख, लगता है जमनादास कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी, ज्वाइन करने जा रहा था वो। कौन सा कॉलेज बोला तू? जमनादास बहरा है क्या? अबे जमनादास कॉलेज जिसमें बड़े घरों के लड़के लड़कियां पढ़ते हैं ना वो। तो राजा लड़के लड़कियां लड़कियां, सोच उसका एक्सीडेंट होना, फाइल का तेरे पास आना, उसका ऊपर जाना, जमनादास कॉलेज में पैसे वालों का पढ़ना, ये सब ऊपर वाले का चलाया हुआ चक्कर है राजा। लगता है ऊपर वाला मेरी ख्वाहिश यहीं पूरी करेगा, अमीर बाप की बेटी। मिस्टर परिमल चतुर्वेदी, हमारे कॉलेज में ये पहला मौका है जबकि जवान स्टूडेंट्स के लिए हम एक जवान प्रोफेसर अपॉइंट कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अलावा आपकी फैमिली में और कौन कौन है? जी सिर्फ माँ। माँ? लेकिन एप्लीकेशन में तो आपने अपने आप को अनाथ बताया है। जी बिल्कुल ठीक कहा था मैंने, माँ से मेरा मतलब है भारत माता से। एक बात का ध्यान रखिए मिस्टर परिमल, इस कॉलेज में सभी स्टूडेंट्स बड़े घरानों से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए तो मैं यहाँ आया हूँ जाने मन। क्या कहा? जी मैं जानता हूँ, आई अंडरस्टैंड। आपके खिलाफ किसी भी स्टूडेंट की कंप्लेंट आपको हमेशा के लिए नौकरी से अलग कर सकती है। कौन कमबख्त यहाँ जिंदगी भर नौकरी करना चाहता है? सही। ये गुलाब का फूल अच्छा है। जी एक चाचा नेहरू को शौक था और एक मुझे। ओह गुड, दैट्स गुड। जाइए अब आप अपनी क्लास में जाइए, आपके स्टूडेंट्स अपने नए प्रोफेसर का इंतजार बड़ी बेताबी से कर रहे हैं। जी मुझसे ज्यादा बेताब नहीं हो सकते वो लोग। अच्छा जी है। साइलेंस साइलेंस साइलेंस। लो एक और नया एडमिशन। हाँ पर मैं स्टूडेंट नहीं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर? वाओ व्हाट अ हैंडसम प्रोफेसर। थैंक यू। बैठ जाइए। मेरा नाम है प्रोफेसर परिमल चतुर्वेदी, आप लोग मुझे प्यार से राजा भी कह सकते हैं। हाय राजा। I mean, hello, sir. आपको तो फिजिक्स का प्रोफेसर होना चाहिए था, उसमें एक्शन है रिएक्शन है। सर आपने हिस्ट्री जैसा मरे हुए लोगों का सब्जेक्ट क्यों चुना? माना कि हिस्ट्री बोरिंग है मगर हिस्ट्री को अगर मिस्ट्री की तरह पढ़ा जाए तो हिस्ट्री बोरिंग नहीं, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो सकता है। हिस्ट्री में क्या क्या नहीं है, जंग लड़ाई शांति हार जीत नफरत मोहब्बत, मोहब्बत यानी कि प्यार लव। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों में से कितने लोगों ने प्यार किया है? पूनम तू हाथ उठा ना। क्यों 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 राजेश तेरा कौन लगता है? हाथ उठा हाथ उठा। कम ऑन ये। शेम ऑन यू ऑल, इस क्लास में लव का परसेंटेज कितना कम है। अच्छा एक बात बताओ, प्यार कौन कौन करना चाहता है? सर तू भी हाथ उठा ना, उठा ना हाथ उठा 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 ना उठा मेरी जान। वेरी गुड अब मुझे यकीन हुआ कि इस क्लास का रिजल्ट अब 100% आएगा।
अब हम पढ़ाई की शुरुआत करते हैं प्यार से। प्यार यानी कि लव, मोहब्बत। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेसन हम कल पढ़ेंगे। नाइस मीटिंग यू। सी यू सर। यस। क्लास के अलावा आप लव का भी ट्यूशन दे सकते हैं? नो। राजा सुन, कहीं तेरी पोल तो नहीं खुली ना? पोल? हाँ। अबे मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, सोच मेरी क्या हालत हुई होगी। इतने सारे लड़के लड़कियां कहते गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, गुड नाइट सर, हर शब्द के पीछे सर ही सर। अबे मेरा तो सर ही घूम गया, उस एक शब्द ने मेरे अंदर इतनी हवा भर दी कि मैं तो आसमान में उड़ने लग गया, आसमान में उड़ने लग गया। अबे जिस काम के लिए गया था वो काम हुआ के नहीं? कोई करोड़पति लड़की फंसिया नहीं? अबे वहाँ तो पढ़ने वाली हर लड़की करोड़पति। अरे है। तो पकड़ लेना था किसी अबे एक को। पकड़ तो लूं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा सबसे ज्यादा करोड़पति कौन सी है, इकलौती कौन सी है। अरे सिंपल यार, लड़कियों से पूछ लेने का। दिमाग खराब है, दिमाग खराब है, दिमाग खराब है। अब मैं उनसे पूछूं सबसे ज्यादा करोड़पति कौन है? बेवकूफ, अब तो कोई और ही आइडिया सोचना पड़ेगा। मेरे पास है एक आइडिया। राजा जरा संभाल के यार। राजा तेरे को पक्का मालूम है कि वो स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड की फाइल यहाँ प्रिंसिपल के रूम में ही है? बेटे अगर सही लड़की की फाइल मिल गई ना तो 100-200 करोड़ तो कहीं नहीं गए। हाँ उबे! क्या हुआ, फाइल हाथ लग गई क्या? ये देख। किताब, किताब करियोम, जल्दी आ, जल्दी आ। इस किताब में ऐसी कौन सी बात है? जल्दी आ। हाँ, जो वही वाली किताब है। वो वाली? वही, वो। अच्छा, वही, वो वाली। हाँ, अच्छी बात है। ला मुझे दे, मैं रख लेता हूँ। बिगड़ जाएगा तू, बेवकूफ। प्रिंसिपल ढोंग तो ऐसा करती जैसे उससे शरीफ औरत शहर में कोई नहीं है। You know, I hate these kind of characters. मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे लोग। गंदी गंदी किताबें देखते हैं। भाई, प्रिंसिपल के साथ कोई चक्कर तो नहीं है ना? प्रिंसिपल के साथ चक्कर रखूंगा? बदतमीज। चल वो लोहे की अलमारी देखते, चल ठीक है, जल्दी चल। हाँ। पकड़ से। अरे हाँ, यही तो रिकॉर्ड चाहिए। अच्छा, क्या लड़कियां यार, लेकिन राजा के लिए कोई मस्त छांट यार। हाँ ये ठीक है, ये चलेगी। ए फिडू, ए वो क्या खाली पीने लग रही है, अपने भाभी के लिए फिट है। अरे बाप, क्या लड़की ढूंढी तूने यार। अगर इसके बदन पे इतने सारे जेवर हैं तो सोच इसकी बाप की तिजोरी में कितना माल होगा। नहीं नहीं सोच तू, नहीं। WWF के कुश्ती के लिए लड़की चाहिए क्या? कितनी बार बोला खूबसूरत दिखनी चाहिए, यानी ये रिजेक्ट। अरे मिल गए यार, क्या चिकनी है देख, एकदम श्रीदेवी के माफिक दिख रही है। पारुल शाह, 4 भाई और 2 बहनें। अबे कितनी बार बोला इकलौती होनी चाहिए, बिजनेस देखा है, कच्चे बनियान बेचना है बाप। फिर तो मजा आएगा यार, कच्चे बनियान फ्री में पहनने को मिलेंगे। चुप रे, कुछ भी है। भिड़ू क्या ढूंढ रहा है यार? एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत सी थी, पता नहीं उसका फॉर्म नहीं मिला। हाँ। कहाँ है उसका? समझ में नहीं आ रहा। कहीं ये तो नहीं? पूजा विद्या प्रकाश। अबे प्रार्थना कर रहा था कि लखपति ना निकले, करोड़पति। ओहो, मलाबार हिल में बोलो इसका। तो आज से हम सब कसम खाते हैं, पूजा तुम्हारी भाभी है। यस, पूजा हमारी भाभी है, पूजा तुम्हारी भाभी है, पूजा हमारी भाभी है। सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग मॉर्निंग सर। आज हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, सभी लेक्चरर्स और प्रोफेसर आ रहे हैं, आप भी जरूर आइएगा। भाई हम कोई अलग थोड़ी हैं, जरूर आएंगे, और वैसे भी ये स्कूल कॉलेज तो हमारा परिवार है। वैसे फंक्शन कितने बजे है? आज रात 8 बजे।
गोरी चोरी चोरी मेरा दिल गया, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, कहां दिन ढला कब रात हुई, मुझे होश न था जब बात हुई। हाय मैं क्या बताऊं रे, हाय मैं क्या छुपाऊं रे। मेरी इकलौती बेटी है। हमारा भी इकलौता बेटा है। हम भी अपने चांद से बेटे के लिए चांद सी दुल्हन लाना चाहते हैं। अजी साहब, जब मेरी बेटी सामने आएगी तो चांद भी शर्मा जाएगा। बेटा, मैं तुम्हारी नहीं उस चांद की बात कर रहा हूँ। बहुत ही घरेलू और शर्मीली है मेरी बेटी। जिस घर में जाएगी उजाला ही उजाला कर देगी। भाई साहब, आपकी बेटी हमारे ही घर आएगी। ये पूजा बेटी इनके घर क्यों जाएगी? चिरकुट, शादी के बाद पूजा इनके घर नहीं जाएगी तो क्या तेरे घर जाएगी? शादी? पूजा बेटी की शादी की बात करने आए हैं यहाँ पर। अच्छा अच्छा, शादी करना भाई सब। पूजा बेटी भी आ गई। अजी सुनिए, लड़की तो घरेलू लगती है। अरे आओ आओ, पूजा बेटी है, मिस्टर एंड मिसेस सहगल हैं, ये इनका बेटा विजय। बेटा अपने हाथ से चाय बना कर दो, बिल्कुल अपने हाथ से। शुगर पूछ लेना कितनी चाहिए। बाथरूम ले जाओ बेटा, जल्दी कपड़े चेंज कराओ, चलो बेटा चलो। सॉरी मिस्टर साइकिल, दरअसल बेटी नर्वस हो गई थी। ये क्या कर रही हैं आप? तो मैं अपना असली रूप दिखा रही हूँ बच्चों। जी कौन सा सिगरेट पियोगे? 555 मार्लबोरो रॉथमन्स, नहीं तो अपनी देसी पिल्स। आप सिगरेट पीती हैं? मैं तो शराब भी पीती हूँ। पियोगे मेरे साथ एक पैग? जी मैं शराब नहीं पीता। ओके, तो ब्राउन शुगर ले लो, बाथरूम में पड़ी है। आप ब्राउन शुगर भी लेती हैं? ऑफ कोर्स, बहुत
मजा आता है, और फिर यही तो दिन है ऐश करने के लल्लू। 15 फैक्ट्रीज और 12 बंगले। लेकिन सर जी ये बंगला किसका है? ये तेरे बाप का बंगला है। काफी देर हो गई, लगता है लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद किया है। Oh no, get lost. अरे अरे अरे, हो गया अपना काम। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है, बस जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवा दीजिए। नहीं 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 डैडी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो बेटा, हमारी बेटी में ऐसी क्या खराबी है? खराबी खराबी है, वो सिगरेट पीती है, वो दारू पीती है, वो ड्रग्स भी लेती है। नहीं, मैं यहाँ शादी नहीं कर सकता। हमें नहीं करना यहाँ रिश्ता। चलो जी चलो। अरे कैसी बातें कर रहे हो सैगल साहब, सुनिए ना मेरी बात। सैगल साहब, ऐसी कर्म हुई कि तुम घर में परछाई भी ना पड़ने दे। बाय बाय लल्लू। सैगल साहब। हाँ डैडी, आप भी कैसे कैसे इडियट्स को बुला लेते हैं। तो ये सब तेरी शरारत थी? शरारत थी डैड, इसे समझदारी कहते हैं। समझदारी की बच्ची शादी नहीं करेगी तो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहेगी क्या? कुंवारी क्यों बैठी रहूंगी, शादी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन ऐसे किसी एरे गेरे इडियट के साथ नहीं। इडियट तू है, जानती हूँ उसके बाप के पास 15 फैक्ट्रीज और 12 बंगले हैं, करोड़पति है यार वो। डैडी, जब आपके पास इतने करोड़ों रुपयों की जायदाद है तो अपनी इकलौती बेटी के लिए करोड़पति लड़का क्यों ढूंढ रहे हैं? बकवास मत करो, शादी उसी लड़के से करनी पड़ेगी जिसे मैं पसंद करूंगा, समझी? नहीं। क्या? शादी तो मैं उसी से करूंगी जो मुझे पसंद। लव इज गॉड। क्या बात है, क्या बात है, आज क्लास बड़ी अच्छी लग रही है। आप अच्छे हैं ना सर, इसलिए क्लास भी अच्छी हो गई है। थैंक यू। अच्छा तो कल हम कहाँ थे? अरे अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा। काश हमारा पूरा देश इसी तरह प्यार से नारा लगाए तो पूरे देश की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। तुम्हारी फेवरेट लव स्टोरी कौन सी है? लैला मजनू। अच्छा तो तुम बताओ, तुम कैसी लड़की से शादी करना चाहोगे? जो खूबसूरत हो, अमीर हो और हमारे स्टेटस की हो। अच्छा तुम बताओ, जो रिच हो, हैंडसम हो और एजुकेटेड हो, जिसके पास बंगला हो, जो मुझे दुनिया की सैर कराए। बस यही तो आप लोग गलती करते हैं। बैठ जाइए, शादी एक इम्पोर्टेंट और अहम डिसीजन है। जहां तक मेरी जानकारी है आप लोग सब रईस खानदान से हैं। यू आर ऑल वेरी रिच। अब सोचो, तुम्हारी शादी अपने बराबर के घराने में हो, कोई भी लड़का या लड़की जिसने अपनी जिंदगी में सब कुछ देखा हो, क्या उसे तुम्हारी कदर हो सकती है? नहीं। इसलिए खुशहाल जिंदगी के लिए गरीब से शादी करो, गरीब से शादी करो। सोचो अगर तुम्हारी शादी किसी गरीब लड़के से हो जाए जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं देखा हो, जो ये जानता हो कि सारी उम्र लग जाए लेकिन वो अपने लिए दो वक्त की रोटी नहीं कमा सकता, सुबह शाम वो आलू के परौंठे खाना शुरू कर दे, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं हो वो अचानक बंगले में रहना शुरू कर दे, जिसके पास आने जाने का बस का भाड़ा ना हो वो अचानक मर्सिडीज में घूमना शुरू कर दे, खाने के लिए आलू के पराठे, घूमने के लिए मर्सिडीज, वो तो तुम्हें देवी मानेगा, तुम्हारी पूजा करेगा, तुम्हारे पैर दबाएगा। तो आज आप रईसों ने क्या सीखा? जिंदगी को जाना हमने करीब से, शादी करेंगे तो सिर्फ करीब से। हाँ, वेरी गुड। सर, आप गरीब हैं? हाँ मैं गरीब हूँ, मगर टीचर का काम है शिक्षा देना, परीक्षा देना नहीं। Thank you.
लुच्चे, लफंगे, बदमाश, बलात्कार करते हो, बलात्कार करते हो। मैं प्यार का पाठ पढ़ाता, तुम वासना का पाठ पढ़ते हो। पागल समझ रखा मुझे, पागल समझ रखा है। चल यहाँ से निकल, भाग यहाँ से। छोटी छोटी लड़कियों को छेड़ते हो। नहीं नहीं रोते नहीं। जब तक आपका ये परिवार मौजूद है, आपको कुछ नहीं होगा। ना मेरे बच्चे, ना, 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 ना। पूजा कितनी तेज चलती है तू। वो प्रोफेसर परिमल बिल्कुल फिल्मी हीरो है ना? क्या लगता है, क्या लगता है, वो तो कमाल है। तुझे कैसा लगता है? अच्छा लगता है। देख पूजा, मैं कह देती इससे अच्छा लड़का तुझे नहीं मिलेगा। और फिर क्लास की सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हैं। अगर तूने देर कर दी ना तो कोई और बाजी मार जाएगा। हाँ क्या बात करती है, मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिलेगा। यानी तू उसे प्यार करने लगी है। देख नसीब का चक्कर छोड़, ये तो वही बात हुई ना कि सामने खाना पड़ा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं कि अगर हमारे नसीब में होगा तो खुद ब खुद पेट में चला जाएगा। अरे खाना मुंह में डालने के लिए हाथ तो बढ़ाना चाहिए ना। मैं नहीं कह सकती, मुझे शर्म आती है। हाय मैं सदके जावा। ये तेरे नसीब में है वो देख।
छुप जाऊं, इस दिल की गलियों में तुझको छुपा लूं। मांगे दिल मैं दे दूं जान, तू जो कहे मैं कर दूं हूँ। तू मेरी महबूबा फिर कैसी मजबूरियां हैं, मैं तेरी आंखों में तू मेरी आंखों में फिर कैसी दूरियां हैं। मौसम है ये हसी, हम है जवान, तू मांगे दिल जो कहे मैं कर दूँ। पप्पू हाँ, ये देख ये लिखा ठीक लग रहा है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं ना? फर्स्ट क्लास है, जल्दी चिटकाट, टाइम खोटी मत कर रहे। अरे पप्पू चिपक नहीं रहा यार। भाई सर कब बस रे, तू कब चुप चुप, वॉचमैन आ जाएगा फट के पड़ेगा। मार क्यों रहा, लगा रहा हूँ। ले जल्दी कर, जल्दी काम करो। यस असलम ऊपर ले। क्या हुआ? आ गई हमारे कॉलेज की लैला। लैला ओ लैला, कैसी तू लैला, ओ कितनों का दिल तूने कर दिया मैला। और मुझे पढ़ने में नहीं लागे दिल। मिलने आई कॉलेज जाने के बहाने। तुम लोगों ने गाने का अगर इतना ही शौक है ना तो जाके सड़कों पे गाओ, कुछ पैसे मिल जाएंगे। और मोहब्बत का इतना ही शौक है ना तो कॉलेज के बाहर कर, वरना उस प्रोफेसर को बाहर कर देंगे। How dare you say that? अगर उनके बारे में ऐसी बात की ना तो जबान खींच लूंगी। अरे हम तो चुप हो जाएंगे, मगर इन कॉलेज की दीवारों को कैसे चुप कराओगी, जो चीख चीख कर तुम्हारे और प्रोफेसर के प्यार का ऐलान कर रही है। सपनों की रानी जान तेरे नाम, लव स्टोरी के इतिहास में नई कहानी, दिल का डॉक्टर परिमल, आ गले लग जा, यूं न जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं, लव बर्ड्स, लेटेस्ट रोमांस इन टाउन, दिल धक धक करने लगा, जियो रानी जियो। अच्छा ये बता, प्यार के ट्यूशन की फीस क्या दी है तूने? हमसे लोगी ट्यूशन, बिना पढ़े ही पास कर देंगे। अरे हमारे में क्या कांटे थे, एक चांस देती हमें उस दिन, उस प्रोफेसर को भूल जाती। अरे कहां तुम और कहां वो प्रोफेसर, मरकर दोबारा जन्म लोगे ना तो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। और एक बात कान खोलकर सुन लो, जितनी चाहे पब्लिसिटी कर दो, अरे ये
ये तो कुछ भी नहीं है। पेपर में छपा दो, टीवी पर दे दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं प्रोफेसर से प्यार करूं या चपरासी से, ये मेरी निजी जिंदगी है और उसमें बोलने का अधिकार किसी को नहीं दिया मैंने। मिस्टर परिमल चतुर्वेदी, जिस दिन आपने कॉलेज ज्वाइन किया था, हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने आपको यहाँ के रूल्स बताए थे? जी यही कि मेरे खिलाफ किसी ने कंप्लेंट की तो आप लोग मुझे यहाँ से। और आपकी कंप्लेंट तो स्टूडेंट्स ने कॉलेज की सारी दीवारों पर लिख दी है। कितने शर्म की बात है, एक प्रोफेसर अपने स्टूडेंट से इश्क करता है। एक बात बताइए, आप पूजा से इश्क करते हैं या पूजा आपसे इश्क फरमाती है? नहीं नहीं सर, पूजा के बारे में ऐसा मत बोलिए, पूजा अच्छी लड़की है। इसका मतलब गलती आपकी है। मिस्टर परिमल चतुर्वेदी, आपको इस कॉलेज से निकाला जाता है। राजा, तुझे ये नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी यार। हाँ यार, हाँ मैंने नौकरी छोड़ दी, खाली पीली मेरा दिमाग मत खराब करो, समझे? करोड़पति लड़की मिलने की वो ही तो एक जगह थी यार। कॉलेज में रहता तो कोई भी इना वीना टीना कोई तो मिलती थी यार। हाँ यार, नौकरी भी गई और हाथ से छोकरी भी गई। यही तो फर्क है तुम लोगों में और मुझ में। दोस्तों का रोली करते रहना, हीरो बन ही नहीं सकते तुम लोग। दिमाग नहीं है ना मेरे जैसा। अब देखना, मेरे प्यार का रिजल्ट 24 घंटे में आ जाएगा। और तू बोलते रहे बीच में, बोलते रहे, निकल यहाँ से। अरे मुझे मत समझा, मैं सब जानती हूँ। एक लड़की के लिए तूने अपनी अच्छी खासी नौकरी की कुर्बानी दे दी। माँ माँ, वो चम्मच लग जाएगा मुझे, माँ प्लीज। अरे साफ साफ प्रिंसिपल को बता देता कि सारे फसाद की जड़ वो लड़की है। माँ माँ आराम से, माँ माँ देखो देखो लग जाएगी, माँ माँ ये करची है। अरे तू मुझे जरा उस लड़की का पता बता दे, फिर देख मैं उसका क्या हाल करती हूँ। कस के दो चाटे मारूंगी और पूछूंगी तुझे मेरा ही बेटा मिला था नौकरी से निकलवाने के लिए। हाँ माँ, तू गुस्से में कितनी प्यारी लगती। अरे अभी ये गुस्सा थूक दे, मानो उस लड़की की वजह से मेरी नौकरी चले गई। मगर सोच माँ, अगर मैं उस लड़की पे इल्जाम लगा देता तो कितनी बदनामी होती उसकी। मेरा चाहे जो होना सो हो जाए, मगर उस लड़की पे आंच नहीं आनी चाहिए। अरे क्या? हाँ माँ। तू उस लड़की की तरफदारी कर रहा है जिसकी वजह से तेरी नौकरी गई? हाँ माँ, मैं उसे बेहद चाहता हूँ, उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता, वो मेरी जान है। तू ठीक तो है ना? मुझे लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मेरी एक बात तू हमेशा याद रखना, गरीबों को अमीरी के ख्वाब कभी नहीं देखने चाहिए। मेरी मान, उस लड़की को भूल जा और नई नौकरी तलाश कर। हाँ माँ, तू सच कहती है। कहाँ वो महलों की रहने वाली और कहाँ मैं इस सड़े हुए झोपड़पट्टी में रहने वाला। हमारा मेल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है माँ, आज के बाद मैं उसे नहीं मिलूंगा। लेकिन इतना याद रखना माँ, मेरी जिंदगी में और कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी सिवाय उसके, क्योंकि मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ और उसे कभी नहीं भुला सकता। अब तो मैं ये शहर छोड़ के ही चला जाऊंगा माँ। नहीं नहीं सर, पूजा के बारे में ऐसा मत बोलिए, पूजा अच्छी लड़की है। माँ, अगर मैं उस लड़की पर इल्जाम लगा देता तो कितनी बदनामी होती उसकी। मेरा चाहे जो होना सो हो जाए, मगर उस लड़की पर आंच नहीं आनी चाहिए। हाँ माँ, मैं उसे बेहद चाहता हूँ, उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता, वो मेरी जान है। ए असलम, राजा कहाँ है? क्यों, क्या काम है? मुझे कोई काम नहीं भाई, ये लड़की काफी देर से राजा को ढूंढ रही है, बहुत परेशान है। लड़की आइए मैडम। हाय, वो मैं राजा के घर गई थी, वहां से पता चला वो यही मिलेंगे। कौन है आप? जी मेरा नाम पूजा है। पूजा तेरे अपने दोस्त की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब क्या करने आए यहाँ पर? अरे छोड़ यार, तू मैं राजा से मिलने आई हूँ। असलम असलम, सबर कर असलम, सबर कर असलम। असलम मैं कह रहा हूँ ना, बस कर यार। पूजा बहन, अब आप राजा से कभी नहीं मिल सकती। क्या, क्यों, आखिर क्या हुआ राजा को? क्या हुआ, अब हम बताए आपको क्या हुआ? देखिए प्लीज प्लीज बताइए, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अरे दिल क्या होता है पता है आपको? अगर आप किसी ने में दिल होता ना, तो आप हमारे गरीब दोस्त का दिल कभी नहीं तोड़ती।
अरे कितना प्यार करता था आपको। देखिए देखिए प्लीज बताइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, बताइए वो कहाँ गया है। राजा हम सबको हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। क्या कहाँ गया? रेलवे स्टेशन। राजा तुझे क्या लगता है वो आएगी ना? आएगी, जरूर आएगी। नहीं अगर वो नहीं आई तो? बोला ना आएगी वो। मेरा बोलने का मतलब है अगर वो नहीं आएगी तो तू सचमुच चला जाएगा? देख प्लेटफॉर्म टिकट ली है, कोई जूनागढ़ की टिकट नहीं, समझे? हाँ हाँ वो तो मैं समझता हूँ, लेकिन अगर वो इस तरफ नहीं आई तो? इसे नीचे रख। क्यों? हाँ रख। एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, बावला हो गया, आ जाएगी वो। प्लेटफॉर्म टिकट लेके प्लेटफॉर्म घूमने आया था। और मेरी जान। For you. I never wanted anyone quite like this. I'm crazy, baby, crazy. Touch me once like this. Oh, yeah. ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। आए ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। आए बड़ी है, तेरे मेरे बीच जमाने की दीवार खड़ी है, और ढूंढे कोई खिड़की दरवाजा इस दीवार में। ये खबर छपवा दो अखबार में।
hurry and fill my desire. Don't you know that I love you? Come, honey, let me give my love to you. फोटो ले जाकर पंडित जी को दे आ। जी। सेठ जी, इस लड़की को मैंने कहीं देखा है। अच्छा, कहाँ देखा है? कहाँ? हाँ, याद आया। सेठ जी, कल ही ये लड़की एक सड़क छाप मवाली के साथ खुलेआम गाना गा रही थी। क्या? हाँ, और नाच भी रही थी। पर सेठ जी, क्या नाचती है! बकवास बंद कर। मेरी बेटी के बारे में ऐसी ऊटपटांग बातें करते तुझे शर्म नहीं आती चिरकुट? बेटी? ये तो अपनी पूजा बिटिया है। लेकिन सर जी, जो मैंने कहा है ना, वो भी बिल्कुल सच है। मैं उसके लिए करोड़पति लड़का ढूंढ रहा हूँ और वो एक सड़क छाप मवाली के साथ नाच रही है, गा रही है। चिरकुट, पूजा कहाँ है? कौन पूजा? मेरी बेटी। आप कौन है? तेरा बाप। डैडी, डैडी, आ गई तुम। भाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ठीक ही तो सुन रहे हैं डैडी। अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। अरे, मैं जरूर खुश होता अगर वो तुम्हारे लायक होता। लेकिन चौल में रहने वालों को मेरा दामाद बना रही हो, मतलब? चौल में? क्यों, चौल में इंसान नहीं रहते क्या? होते हैं, लेकिन भगवान ने उन्हें वहां रहने के लिए बनाया होता है, और तुम उसको यहाँ लेकर आ रही हो। तुम इन आदमियों को नहीं जानती। अमीर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लड़का सिर्फ तुमसे इसलिए मोहब्बत करता है क्योंकि इसे तुम्हारी दौलत, तुम्हारा बंगला नजर आ रहा है। कैसी बात करते हैं डैडी, उसे तो मालूम भी नहीं मैं किसकी बेटी हूँ, कहाँ रहती हूँ। अच्छा, बड़ा मासूम है, बिना जाने इश्क कर बैठा। क्यों, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि कोई मुझसे इश्क करे? पूजा, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। वो तुम पर 10 रुपए का मिट्टी का तेल डालेगा और 100 करोड़ का मालिक बन जाएगा। ओह माय गॉड, देखा है नहीं, मिले है नहीं, अपनी तरफ से बोले चले जा रहे आप। क्या मैं घर छोड़कर भाग जाऊं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। फिर? अच्छा ठीक है, तुम मुझे उससे मिलवा दो ना एक दिन। ये हुई ना बात, एक दिन नहीं, वो अभी आपसे मिलने आए, नीचे खड़ा है, चलिए। नीचे खड़ा है ऑलरेडी? तुम क्या करते हो, सब कुछ इतना जल्दी करने की क्या जरूरत थी? मगर तुम समझा करो ना। देखो बेटा, अब तुम डैडी, आप भी, आपको बहुत पसंद आएगा। अरे ठीक है, मगर राजा,
है सर जी। डैडी, डैडी, सर जी, सर जी क्या हो गया? Oh my God, डैडी, डैडी, सर जी, डैडी, डैडी, अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे इन्हें मिर्गी आई है, जूता सुंघाना इन्हें। अरे मिर्गी मिर्गी नहीं आती डैडी को, बेहोश हो गए डैडी। अरे पानी लाइए ना, पानी लाओ, डैडी, डैडी, मेरे ख्याल से आपको बुलाना चाहिए, लाइए, लाइए, डैडी, डैडी, लो, होश आ गए इन्हें, होश आ गए, डैडी उठी, आराम से, आराम से डैडी, डैडी, डैडी अब ठीक तो है, डॉक्टर को बुलाऊं? ये लड़का जिससे तुम प्यार करती हो, जी, इसी लड़के से शादी भी करना चाहती हो, जी, मैं अकेले में इससे कुछ बातें करना चाहता हूँ, अरे नहीं, आओ। शादी हरगिज नहीं हो सकती। क्या? लेकिन सुनो तो, नहीं हो राजा, सकती। राजा मेरी नहीं हो सकती ये शादी। मेरी बात सुनो राजा। पूजा तुम भी सुन लो, ये शादी हरगिज नहीं हो सकती। राजा, राजा। हेलो। तू होता कौन है पूजा को ना बोलने वाला? हाँ साला, दिन रात अपुन तेरे प्यार के लिए मेहनत किया, मालूम क्या? राजा तुझे मालूम है, मालूम है मैंने तेरे लिए कॉलेज में चोरी की थी, और तू तू छे, और सारी रात मैंने तेरे लिए पोस्टर चिटकाया, मालूम है? और अब जब सब कुछ ठीक हो गया तू शादी से इनकार कर आया। अरे पूजा के दिल पर क्या बीतेगी पता है तुझे? अरे चुप क्यों है, बोलना, कोई कारण कोई रीजन तो होगा राजा, और वही रीजन जानने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। सकते तुम मुझसे शादी? पूजा मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं आज तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा पूजा, मैंने सिर्फ तुम्हारी दौलत के लिए तुमसे प्यार किया था। मतलब? हर गरीब की तरह मेरी भी एक इच्छा थी कि मैं भी एक करोड़पति बनूं, ऐश की जिंदगी बिताऊं, लेकिन अब मैं तुमसे सचमुच प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझसे शादी करके एक गरीब की जिंदगी बिताओ। पूजा मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, एक अच्छा सा लड़का देख के तुम उससे शादी कर लो। कैसी बात करते हो राजा, शादी तो मैं तुम ही से करूंगी, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई आ ही नहीं सकता, और रहा सवाल पैसों का, वो मेरे डैडी के पास बहुत है। पूजा तुम्हारे डैडी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम क्या मतलब? उस दिन जब तुम्हारे डैडी से मिला तो उन्होंने बताया, देखो मेरी बेटी बहुत सीधी लड़की है, बहुत भोली है वो, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी को बख्श दो, मैं जानता हूँ तुमने उसे दौलत की लालच में फंसाया है। अबे ऐसे कैसे पता चल गया? मैं तुम्हें हर महीने पैसे तो देता हूँ, अगले महीने डबल ले लेना, लेकिन मेरी बेटी को छोड़ दो। सेठ जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कब आपसे पैसे लिए? मैंने आपसे कोई पैसे नहीं लिए, उल्टा चार पैसे खर्च किए आपकी बेटी की चाय पानी पर। एक पैसा नहीं लिया या यूं कहो कि एक पैसा नहीं छोड़ा मेरे पास? देखो रॉकी, अब मैं रॉकी नहीं राजा हूं। अरे राजा ही सही, लेकिन राजा भी तुम मेरी दौलत से बने हो। चश्मा उतारो और आंखों में आंखें डालकर बात करो मुझसे। लेंस पहने हो तुमने? क्या कर रहे हो, आंखें फोड़ोगे क्या? ओरिजिनल आंखें हैं। आंखें बदलने से तुम्हारा कैरेक्टर नहीं बदल जाता, और ये हकीकत भी नहीं बदलती कि तुम रॉकी हो, रॉकी रहोगे। फिर रॉकी, फिर रॉकी, कितनी बार कहूं मेरा नाम राजा है? तुम झूठ बोलते हो। अरे कमाल करते हैं आप, कमाल करते हैं, जबरदस्ती आप मुझे रॉकी बना रहे हो। अरे मैं राजा हूं, राजा रॉकी नहीं हूं। ताज्जुब,
चेहरा वही, पर्सनैलिटी वही, फर्क है तो सिर्फ आंखों का। तो क्या तुम वाकई रॉकी नहीं हो? कौन सी भाषा में समझाऊं, मैं रॉकी नहीं हूं, राजा हूं। तब तो सिर्फ तुम ही मुझे उससे बचा सकते हो। किससे? रॉकी से। कमबख्त ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर तुमने मुझे उसके चंगुल से बचा दिया तो मैं अपने हाथों से अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा। ये रॉकी है कौन? आपके पीछे पड़ा क्यों है? वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? कुछ साल पहले मैं एक बिजनेस के सिलसिले में दिल्ली गया था। वहां एक पार्टी में मेरे दोस्तों ने मुझे जरूरत से ज्यादा शराब पिला दी। शराब पीते पीते सोचता हूँ कि भूल जाऊं तुझे, मगर रोज यही बात भूल जाता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ। क्या जल्दी है विद्या प्रकाश जी, दो जाम और चाहिए, अभी तो बहुत टाइम बाकी है। माफ करना बहन जी, कोई बात नहीं, मुझे को यार मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देती हूँ। थैंक यू। संभल के, संभल के। सॉरी। कौन सा रूम है आपका? I'm sorry, आपको तकलीफ है। यहाँ ये दरवाजा है। God. Good morning. कौन हो तुम? और यहाँ मेरे बिस्तर में क्या कर रही हो? कैसी बातें करते हैं आप? कल रात खुद ही तो आप मुझे अपने कमरे में लेके आए। मैं? What nonsense? जबरदस्ती आपने रोका मुझे। कितना मना किया था मैंने आपको। हाँ शायद कल रात मुझे ज्यादा चढ़ गई थी, उसी चक्कर में ये भूल हो गई मुझसे। भूल? और जो रात आपने मेरे साथ किया, क्या उसे भी भूल का नाम दोगे? क्या क्या किया मैंने? वही जो एक मर्द एक औरत के साथ करता है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मगर आपने ऐसा ही किया है। ओह गॉड, क्या हो गया? देखो, मैं शायद होश में नहीं था। खैर जो हुआ उसे भूल जाओ और भगवान के लिए यहाँ से चली जाओ। चली जाऊँ? कैसे चली जाऊँ? मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, अब मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता। ओह शट अप। उसके बाद वो चली गई। एक दिन उसका मैसेज मिला कि मैं उसे फौरन मिलूं। मैं मिलने पहुंचा। एक खुशखबरी है तुम्हारे लिए। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? तुम बाप बनने वाले हो। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मगर ऐसा ही हुआ है। देखो मैं एक जवान बेटी का बाप, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? ये आपको पहले सोचना चाहिए था। तुम किसी भी तरह से इस बच्चे को हटा दो, जितना खर्चा आएगा मैं तुम्हें दूंगा। ये नहीं हो सकता। तो फिर इसका क्या हल है? शादी। शादी? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी खुद की बेटी शादी के लायक है? मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? कोई दूसरा रास्ता निकालो प्लीज। दूसरा रास्ता तो यही है कि मैं अपने आप को खत्म कर दूँ। क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 वो रिवॉल्वर भी उसके पास है। तब से लेकर आज तक वो मुझे ब्लैकमेल करता आ रहा है। बहुत ही खतरनाक इंसान है वो। कंगाल बना दिया है मुझे, ऐसी हालत कर दिया, ना मैं जी सकता हूं ना मैं मर सकता हूं। मुझे उम्मीद है इन हालात में तुम ही हो जो मुझे उसके चंगुल से बचा सकते हो। तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो, तुम मेरे होने वाले दामाद, तुम्हारा फर्ज बनता है कि मुझे उसके चंगुल से बचा। अब तो मैंने इस बंगले और फैक्ट्री के नाम पर भी कर्जा ले लिया है। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। बस तब से वो ब्लैकमेलर तुम्हारे डैडी से करोड़ों रुपए ले चुका है। वो दिन दूर नहीं जब वो फैक्ट्री और घर से बाहर होंगे और जेल के अंदर, क्योंकि वो खूनी भी है। नहीं नहीं नहीं, मेरे डैडी ऐसा नहीं कर सकते राजा, वो ऐसा नहीं कर सकते। एक बाप को उसकी बेटी से ज्यादा और कौन जान सकता है? उन्हें फंसाया गया राजा, इसमें फंसाया गया उन्हें। प्लीज उनकी मदद करो, मदद करो। चिरकुट दुनिया में कोई नहीं जो मेरी मदद करे। एक तू है दीवाना,
दूसरी मेरी बेटी जो प्रेम में दीवानी, बस एक मेरी बीवी नॉर्मल थी जिसे भगवान ने वक्त से पहले ऊपर उठा लिया। कमाल है, भाभी को भगवान ने उठा लिया और आपने मुझे बताया तक नहीं। सेठ जी, चिरकुट क्या हुआ था भाभी को? चिरकुट होश की बात कर, तेरी भाभी को गुजरे 11 साल से ऊपर हो गए। माफ कीजिएगा सेठ जी, वो भूल जाने की बीमारी है ना। चिरकुट, मेरी जिंदगी में कम परेशानियां हैं जो तू उनमें और इजाफा कर रहा है। बस एक ही आशा की किरण नजर आई थी राजा, उसने मेरी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। डैडी। कौन? राजा आपकी मदद करेगा डैडी। क्या कहा? राजा मेरी मदद करेगा? राजा वाकई मेरी मदद करेगा? ओ जीते रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। डैडी ये आपकी मदद करने के लिए ही तो आया है। रियली? वेरी गुड। रॉकी से आपको कैसे बचाया जाए ये बाद में सोचेंगे, पहले आप रॉकी दिखाइए तो सही। अरे मैं तुम्हें रॉकी को जरूर दिखाऊंगा, मगर कैसे दिखाऊंगा उसके लिए मेरी एक तरकीब है।
जी हाँ बोल रहा हूँ सर, मैं काफी दिनों से आपको कुछ बताना चाह रहा था। सर इस शहर के अंदर एक आदमी मुझे काफी दिनों से ब्लैकमेल कर रहा है। कौन आदमी? उस आदमी का नाम क्या है? सर मैं अपनी जिंदगी का सब कुछ उसे दे चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा उसे देने के लिए। सर उसने मुझे कंगाल कर दिया है, बहुत ही खतरनाक आदमी है। सर आप घबराइए नहीं, आप हमें उस आदमी का नाम तो बताइए। उसने शहर के बड़े बड़े लोगों को, काफी लोगों को तंग किया हुआ है। सर सर मैं फोन पर आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा प्लीज। सर उसके लिए मुझे आपके पास पर्सनली आना पड़ेगा। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर प्लीज। ठीक है, आप कल सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। थैंक यू सर। ओके थैंक यू वेरी मच। Oh, my God.
अरे रॉकी, ये तो मर चुका है। अरे पूजा बेटी, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? डैडी, तुम राजा को भूल क्यों नहीं जाती? डैडी, आप कैसी बातें करते हैं? सच कह रहा हूँ, मुझे राजा से नफरत नहीं, नफरत है उसकी शक्ल से, क्योंकि उसकी शक्ल रॉकी से मिलती है, और तू तो जानती है मुझे रॉकी से कितनी नफरत है। ना चाहते हुए मुझे महीने में एक बार उसकी शक्ल देखनी पड़ती है। अब अगर तू उसे शादी करेगी तो मुझे रोज उसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। तू राजा को भूल जा। डैडी, आप जानते हैं कि राजा आपका भला चाहता है, हर तरह से आपकी मदद करने को तैयार है, और फिर भी आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप नहीं, मेरी बात किससे मिलना है आपको? तेरे बाप से। सर जी, तू मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है? नहीं, मुझे बता, तू आज किस जन्म का बदला ले रहा है? मेरे घर में मुझसे ही पूछता है कि मुझे किससे मिलना है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है सेठ जी कि मैं भूल गया था कि आपसे कोई मिलने आया। कौन मिलने आया? वो मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। हेलो बद्या सेठ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में चले आने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलाफ साजिश रचने की, मुझे मार देने की? मगर ये झूठ है विद्या सेठ, रॉकी कभी भी अपने शिकार से बेखबर नहीं रहता। वो सांस भी लेते हैं तो मुझे सुनाई देता है, और वैसे भी तुम्हारे घर आकर बहुत बड़ी दौलत मेरे हाथ लग गई है। अरे सारी दौलत तो तुम हड़प चुके हो, अब मेरे पास बचा ही क्या है? तुम्हारी बेटी, ये दौलत मेरे हाथ लग जाए मेरी तो लाइफ बन जाएगी। देखा, यही तो धोखा खा गए। ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो पड़ोस के शर्मा जी की बेटी है। बेटी, तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं? उनको मेरा नमस्ते कहना। अब तुम अपने घर जाओ, मैं शाम को तुमसे मिलने आता हूँ। जाओ बेटा, अभी अपने घर जाओ। मुझे इतना बेवकूफ मत समझो विद्या सेठ, मैं तुम दोनों के रिश्ते को अच्छी तरह जानता। राजा, गाड़ी एकदम टकाटक हो गई है। वाइज कलर, वाइज नंबर प्लेट, बिल्कुल फर्क नहीं। शाबाश। ओह माय गॉड, तो तुम राजा हो? डैडी, ये राजा है और ये सब उसके फ्रेंड्स हैं। क्या करते हो भाई, देखो तो मेरा दिल कैसे धड़क रहा है, अगर अभी हार्ट अटैक हो जाता तो। लेकिन राजा, तुम तो पूरे के पूरे रॉकी लग रहे हो। ये सब अपुन का कमाल है। वो क्या है ना, रॉकी जहाँ से अपने कपड़े सिलवाता है ना, वहाँ का कारीगर अपना बहुत खास पहचान वाला है, उसको अपुन बोल डाला। तो एक जैसा कपड़ा रॉकी का सिएगा ना, वैसा ही सेम टू सेम अपुन को राजा के लिए चाहिए क्या? और तुम वेटर के ड्रेस में क्यों आए हो? वो अपुन रॉकी का होटल ज्वाइन किया ना इसलिए। जब तुम लोग मुझे नहीं पहचान सके तो मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि रॉकी क्या, रॉकी का बाप तक मुझे नहीं पहचान सकता। I love you, darling. सोनिया, सारा सामान लॉकर में रख दो। ओके। मैं तुम्हारा ऑफिस में इंतजार करूंगा।
डार्लिंग। अरे तुम वापस आ गए। तुम चीज ही ऐसी हो जिसको छोड़ने का मन नहीं चाहता। अच्छा ज्यादा बातें मत बनाओ, बताओ क्यों लौटा है। वो लाइटर भूल गया था। आओ। राजा वहां कुछ मिला? वहां वो मिला जो तुमसे कभी नहीं मिला। क्या? मैं तो बच गया वरना मैं तुम्हारे लायक नहीं रहता। मतलब? अरे वहां मिला क्या? तुम जानना चाहती हो वहां क्या मिला? 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 करना था तो प्यार न मुझसे करना था। उई माँ करना था तो प्यार न मुझसे करना था। से साफ मुकर गई रे। उई माँ
ओई माँ कर गई रे हाँ करके तो ना कर गई रे ओई माँ कर गई रे हाँ करके तो ना कर गई रे मेरी आँखों से मेरी बातों से सजनी तू कितना डर गई रे सॉरी मैडम इस वक्त कोई रूम खाली नहीं है प्लीज हमें तो कमरे की सख्त जरूरत है देखिए इनकी हालत देखिए इतने बड़े शहर के हॉस्पिटल में एक भी कमरा नहीं मिला अब अगर यहाँ रूम नहीं मिलेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे एक तो वैसे भी शहर में हम अजनबी हैं अब कहाँ जाएं हम लोग मैडम इनकी हालत कैसे हुई सर 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 यह है रूम नंबर 408 की चाबी अभी भी खाली हुआ है मैंने साफ भी कर दिया है देखा हमारा लक रूम भी खाली हो गया यस मैडम यू आर वेरी लकी यस पिंटो ये चाबी लो और इन्हें रूम तक छोड़ो यस सर चलो चलो जल्दी ये है रॉकी की चाबी रूम नंबर 409 हाँ। राजा हाँ अपना ख्याल रखो तुम मेरी फिक्र मत करो मेरी Just freshen up, darling. Kya haal hai, Keshu sahab? Fine, sir. 5 PM ki meeting yaad hai na? आ जाना ठीक 5 PM लिबर्टी टावर समझे ओके सर हाँ क्या हाल है श्याम साहब देखिए आज मैं आपको पैसे नहीं दे सकता अच्छा कल रात को मैंने तुम्हारी कैसेट देखी बहुत भोले लगते हो उसके अंदर लगता नहीं कि एक मासूम लड़की का कत्ल किया होगा तुमने मैं कोशिश करूंगा सर शाम 5 PM लिबर्टी टावर
क्या हाल है तुलसी सेठ? सर मैं आ रहा हूँ सर, ठीक 5 बजे पूरे पैसे लेके आ रहा हूँ सर। ओह दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। डार्लिंग दोस्तों से बात हो गई? आज कैश कलेक्शन डे है, 5 बजे सब आ रहे हैं लिबर्टी टावर। रॉकी ने जिन लोगों को लिबर्टी टावर्स बुलाया है वो आप जैसे शरीफ लोग हैं जिनके नाम और पते इस डायरी में नोटेड हैं। राजा डायरी में और किन किन के नाम लिखे हैं जरा पढ़ना तो सही। सेठ मेवालाल, सेठ जगनलाल, दौलतराम, दिनेश रहेजा, इकबाल सिंह। एक मिनट, ये इकबाल सिंह से पहले किसका नाम पढ़ा था तुमने? दिनेश रहेजा। ये वही बांद्रा वाला दिनेश रहेजा तो नहीं जिसके पूरे परिवार को कुछ दिन पहले मार डाला था किसी ने? हाँ डायरी में तो बांद्रा का एड्रेस लिखा हुआ है। ओह तो इसका मतलब है दिनेश रहेजा और उसकी फैमिली का खूनी भी रॉकी है? मैं कहता था ना बहुत खतरनाक इंसान है, कुछ भी कर सकता है। अगर वो कुछ भी कर सकता तो हम भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। क्या 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 करोगे तुम? सबसे पहले तो ये बंदोबस्त करना है कि वो 5 बजे लिबर्टी टावर नहीं पहुंच सके। X02H1773 पता करो गाड़ी किसकी है। वो रहे गाड़ी के मालिक मिस्टर रॉकी। ओ आई सी, थैंक यू। वो बाहर खड़ी रेड कलर की MH02 1773 गाड़ी आपकी है? यस। तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि पुलिस इतनी आसानी से तुम तक पहुंच जाएगी। मतलब तुमने आज मुझे जान से मारने की कोशिश की है। मैंने? ये आप क्या कह रहे हैं? ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। अभी 15 मिनट पहले तुमने मेरी गाड़ी को टक्कर नहीं मारी। 15 मिनट पहले? देखो कमिश्नर, मुझे 5 बजे बहुत जरूरी मीटिंग पे जाना है। आपको गलत फहमी हुई है, मैं 3 घंटे से अपने होटल में हूँ। आप चाहे तो इंक्वायरी कर लीजिए। अगर आप वहाँ नहीं थे तो आपकी गाड़ी वहाँ कैसे पहुँची? क्या आपकी गाड़ी का कलर रेड नहीं है? क्या आपकी गाड़ी का नंबर 1773 नहीं है? आप सही फरमा रहे हैं कमिश्नर साहब, मेरी गाड़ी का कलर भी वही है, मेरी गाड़ी का नंबर भी वही है। अगर मैंने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी है तो मेरी गाड़ी भी डैमेज होनी चाहिए। आप चाहे तो मेरी गाड़ी चेक कर सकते हैं, क्योंकि 15 मिनट में मैं अपनी गाड़ी ठीक नहीं करवा सकता। कमाल है, गाड़ी तो वही है, कलर भी। तसल्ली हो गई कमिश्नर साहब। यू कैन गो। शुक्रिया। इसका मतलब है कि शहर में एक ही नंबर की 2 गाड़ियां चल रही हैं।
मगर ये दूसरा शख्स कौन है? रॉकी साहब, यह हम तीनों का इंस्टॉलमेंट है। डार्लिंग, आज हम थोड़ा लेट हो गए। इंस्टॉलमेंट देने नहीं आए, बोटी बोटी कर दूंगा सालों की। रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। कुछ नहीं होगा। मैंने उन्हें मैसेज भिजवा दिया है, वो लोग कल तुम्हें होटल में मिलने आ रहे हैं। माँ कसम, अपुन अपना अक्खा लाइफ में तरवे ने देखा। भिड़ू, देखना तो दूर की बात, अपुन ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था इतने पैसे देखने को मिलेंगे। पर इतने रुपयों का करेंगे क्या? आपस में बांट लेंगे। चुप रहो, तुम लोगों को अपनी पड़ी है। मुझे तो उन लोगों की लाशें नजर आ रही हैं। अगर रॉकी को पैसा नहीं मिला तो उन लोगों को जान से मार डालेगा। उन लोगों को कुछ नहीं होगा, सारे पैसे कमिश्नर के पास जाएंगे। कमिश्नर के पास? और वो पूछेंगे तो क्या कहोगे? पूछेगा जरूर, मगर मुझसे नहीं, रॉकी से। ये दूसरी बार तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, अब तुम बच नहीं सकते, समझे ना? You are under arrest. Come out. Oh, shit! This is too much. मुझे गिरा के मारते। Stop. झूठ बोलते हो तुम तीनों। मेरे मुंह पर मुझे झूठा साबित करके तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने तुमसे पैसे लिए? Yes, Mr. Rocky. हमने अपने हाथों से नोटों से भरा हुआ ब्रीफकेस आपको दिया। Oh, just shut up. Shut up! तुम्हारे हिसाब से मैं झूठ बोल रहा हूं? मैं पागल हूं, पागल हूं मैं। ये क्यों नहीं कहते हो कि तुम तीनों की नियत में खोट आ गई? नियत में खोट आती तो पहले आती जी, अब भला क्यों आएगी? Come on! ये रहा, अरेस्ट हिम! वेट, क्या जुर्म मेरा? जुर्म? इतना बड़ा जुर्म करके पूछते हो कि मेरा जुर्म क्या है? तुमने दो बार मेरी गाड़ी को टक्कर मारकर मुझे जान से मारने की कोशिश की है। कोशिश? हाँ। कब कोशिश की? अभी, अभी आधा घंटा पहले। आधा घंटा? हाँ। पिछले दो घंटे से मैं यहां मौजूद हूं। Shut up! तुमने एक पुलिस कमिश्नर को मारने की कोशिश की है, अब तुम बच नहीं सकते, क्योंकि इस बात का गवाह मैं खुद हूं। कमिश्नर साहब, ये सच है, मिस्टर रॉकी दो घंटे से हमारे साथ ही है। अच्छा, तो तू भी इसके साथ है? ध्यान रखना, मैं तुझे भी उठा के अंदर कर दूंगा। कमिश्नर साहब, आप तो जानते हैं मैं शहर का नामी वकील हूँ। मिस्टर रॉकी करीब दो घंटे से हमारे साथ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। मिस्टर सक्सेना, मैं आपकी बात को झुठला नहीं सकता, मगर ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अपनी आंखों से मैंने इसे देखा है, इसके साथ हाथापाई हुई है मेरी, इसने अपने हाथों से ये नोटों भरा बैग मुझे खींच कर मारा है। ये कैसे हो सकता है? अरे यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि ये कैसे हो सकता है। अभी तक शहर में एक नंबर की दो गाड़ियां चल रही थी, अब एक ही शक्ल के दो आदमी भी पैदा हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि शहर में तुम्हारी शक्ल का एक दूसरा आदमी भी है जो ये सब कर रहा है। मिस्टर रॉकी,
अगले 24 घंटों में आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि उन 24 घंटों में उस दूसरे आदमी को मैं गिरफ्तार करने वाला हूं। कम ऑन मिस्टर रॉकी, ये वही ब्रीफकेस था जो मैंने अपने हाथों से आपको दिया था। मुझे नहीं, मेरे हमशक्ल को दिया था। वो है कौन, कहां है इस वक्त? वाओ, डायमंड नेकलेस बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत है ना, मगर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। ये खूबसूरत तब बनेगा जब तुम इसे पहनोगी। पहनाओ ना डार्लिंग। सोनिया, इसे हम तब पहनाएंगे जब हम तुमसे शादी करेंगे। शादी? I love you, darling. I love you too. जाओ, इसे लॉकर में रख दो। हम ड्रिंक बना के लाते हैं। चल जल्दी निकल। कहाँ गया? एक दो तीन चार, खुल जा खुल जा, जल्दी खुल। राजा आज इनका सारा माल खा जा। सोनिया, अब तुम कोई अच्छा दिन फिक्स कर लो, हम तुमसे उसी दिन शादी करेंगे। अब तुम्हारा रॉकी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लॉकर किसने खाली किया? लॉकर? हाँ, तुमने नेकलेस दिया था लॉकर में रखने के लिए, उसके बाद मैंने लॉकर बंद कर दिया। मैंने दिया था? हाँ, फिर शराब पिलाई, उसके बाद मुझे कुछ नहीं याद। वो हरामजादा यहां भी पहुंच गया। That bastard. That bastard. लीजिए बहन जी।
ये लो भाई टमाटर ले लो। राजा, अरे राजा क्यों रे नालायक, पैसे वालों के कपड़े पहनकर और कीमती चश्मा लगाकर अपने आप को सचमुच का करोड़पति समझ रहा है तू? यहाँ तक कि अपने गरीब माँ को नहीं पहचान रहा है? हाँ कहीं ये राजा की माँ तो नहीं? ये तो हंस क्यों रहा है? अच्छा बेटे हंस ले, तू भी मुझ पर हंस। अरे माँ, अरे माँ, मैं तो एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था। क्या ये? तू एक्टिंग कर रहा था? और क्या, ये किराए के कपड़े, ये चश्मा पहन के ये देख रहा था कि मैं करोड़पति कैसा लगूंगा। अरे बेटे तू करोड़पति बने चाहे राष्ट्रपति, रहेगा तो मेरा बेटा ही। वैसे तू था कहाँ, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी, देख तू नहीं था ना, मुझे कितना वजन उठाना पड़ रहा है। माँ बस यूँ समझ ले कि आज के बाद बोझ उठाने का वक्त खत्म हो गया। बस दुआ कर कि तेरा बेटा करोड़पति हो जाए। ओहो अब तुझे ऊंचे ऊंचे खाब देखना बंद कर और चल सीधे तेरा घर। अरे हाँ। चल घर। आगे आगे आप चलेंगे, पीछे पीछे मैं चलूंगा, मेरी इतनी मजाल की मैं आपके बराबर चलूँ। चलिए चलो। अरे हाँ हाँ माँ, तेरे जाते ही विजय प्रकाश जी का आदमी घर पर आया था। विजय प्रकाश जी का आदमी? हाँ पूजा के पिता। अब ये मत बोल तू पूजा को ही नहीं जानता। अरे माँ बहुत जरूरी काम होगा तभी तुझे उसने घर पे बुलाया। माँ एक काम करो आप घर जाओ, मैं जरा विद्य प्रकाश जी से मिल के आता हूँ, जरा जल्दी आना। हाँ, विद्य प्रकाश। जानते इस हार में जड़े एक हीरे की कीमत क्या होगी? कभी सपने में हीरा देखा नहीं, कीमत के बारे में क्या मालूम? कम से कम 10-12 लाख रुपया। अब देखना ये डील में रॉकी के साथ किस तरह करता हूँ। तू तब तक जिंदा है जब तक मैं यहां हूं। जिस दिन मैं यहां से निकला वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। यहां से जा सकेगा तभी तो वो दिन आएगा। रात तक अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे दोस्त मेरी तलाश में यहां तक जगे रात। रातें बीत चुकी है राजा साहब। क्या? हाँ और तुम अपने दोस्तों की फिक्र छोड़ दो, मैंने उन्हें संभाल लिया है। तुम्हारी जिंदगी में से मैंने सिर्फ 7 दिन चुराए हैं, सिर्फ 7 दिन। देखना चाहोगे उन 7 दिनों का कारनामा? हो गया हो गया, देखो मैं घायल हो गया हो गया। गली गली मैं तुझे ढूंढ रहा, नाम पता तेरा पूछ रहा, किस नंबर पे करूं टेलीफोन, दिल में तलाश तेरी सिर पे जुनून। अफला 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 तू, अफला तू, यही है ना तेरे बेवकूफ दोस्त। क्या रॉकी से डील हो गई? पूछा ये रहा वो वीडियो कैसेट और रिवॉल्वर। अरे वाह मेरे बच्चे, मुझे तो यकीन ही नहीं होता।
थैंक गॉड उस रॉकी के बच्चे से पीछा छूटा, अब उसकी मनुष्य शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। नहीं, मेरी तो देखनी पड़ेगी। क्या मतलब? मेरी और उसकी शक्ल एक जैसी जो है। शक्ल मिलने से क्या होता है, कहा तुम और कहा वो। और अब वादे के मुताबिक मैं करूंगा तुम दोनों की शादी। सो नाइस ऑफ यू डैडी। माँ, ये क्या है तेरी भोली माँ। अरे ये है पूजा। बस बस बस, जीती रहो पूजा। ये है मेरी माँ जिसने मुझे पैदा किया, पाला पोसा और इस लायक बनाया कि तुम मुझसे प्यार कर सको। तू मेरे साथ है ना माँ, मुझे नजर लग ही नहीं सकती। बस एक कांटा है मेरी जिंदगी में, तेरा आशीर्वाद मिल जाए तो वो कांटा भी हट जाएगा। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा है तेरे साथ। राजा साहब, ओ राजा साहब, अगर आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं तो मैं भी खिलाड़ियों का खिलाड़ी। बहुत शौक था ना रॉकी बनने का, इंटरवल तक खेल तुमने खेला, इंटरवल के बाद खेल मेरा शुरू। मैं तुझे ये खेल खेलने नहीं दूंगा कुत्ते। सोनिया, राजा साहब का ध्यान रखो। ऊपर जाने का शॉर्टकट तरीका, जिस्म नीचे आत्मा ऊपर। रॉकी, मैं तुझे, मैं रॉकी हूं, मैं तो राजा हूं, मैं तो राजा हूं। हाँ, ए, मैं तो राजा हूं ना। रॉकी तो ये हरामजादे, इतनी मासूम जाने ली तूने, इतने लोगों को लूटा है और तो और बस्ती में जाकर मेरे दोस्तों को अपना दोस्त बना लिया, मेरी माँ को अपनी माँ बना लिया। हराम साधे रॉकी, मुझे मत मार रॉकी। तुझ जैसे कमीने को छोड़ दूँ मैं? हाँ, तुझ जैसे कमीने को छोड़ दूँ? अरे तुझे मार कर तो लोग मुझे शाबाशी देंगे, मेरी वाहवाह कहेंगे, कहेंगे इतने छोटे राजा ने इतने बड़े रॉकी को मार दिया। अच्छा रॉकी भाई, टेक केयर। ए रॉकी, बाय बाय, आई लव यू रॉकी, आई लव यू रॉकी, बाय बाय कमीने। All move from here. Come on. Stay back. चाबी।
सोनिया तुम टैक्सी पकड़ के जाओ और मुझे घर पे मिलना। ओके। बाकी सब मेरे पीछे आओ, जल्दी करो। बॉस, बॉस, डॉक्टर, डॉक्टर के पास ले चलो बॉस। बॉस, बॉस, मैं मर रहा हूँ बॉस। बॉस, प्लीज, प्लीज, शट अप, आई से शट अप। डॉक्टर के पास ले चलो बॉस। बॉस, बॉस, धक्का दो उसको, बाहर फेंको साले को, बाहर फेंको। घर फोन करो और देखो सोनिया पहुंची कि नहीं। ओके। और ये रंग पर से भीग चुनर घेर लो। जी साहब, ये तो वही है। तमाम गवाहों के बयानात और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मुजरिम रॉकी को ताजीराते हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। असलम, तुम लोग तो पहचानो मुझे। जज साहब, मैं रॉकी नहीं हूं, राजा हूं। जज साहब मेरी बात सुनिए, मैं रॉकी नहीं हूं, राजा हूं।
अब तो मां सिर्फ तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा, इतना पैसा कमाऊंगा कि अपनी मां को सोने की थाली में खाना खिलाऊंगा। देख जल्दी पैसा कमाने के लिए तू कोई गलत काम मत करना। हाँ सुनो, वो नया कैदी रॉकी जो है वो कौन से सेल में है? साहब वो सामने वाली सेल में। नमस्कार साहब। सलाम साहब। साहब जी आपने मुझे पहचाना? मैं राजा साहब जी, वो मंत्री की कार, वो मुर्गी बम। हाँ राजा, जो पहले मुर्गियां चुराया करता था, अब रॉकी के नाम से खून भी करने लग गया तू। साहब जी मैंने कोई खून नहीं किया, मैं रॉकी ही नहीं हूं साहब जी। मतलब? साहब जी रॉकी मेरा हमशक्ल है, सारे खून उसने किए और इल्जाम मुझ पे दे दिया साहब जी उसने। अदालत ही नहीं बल्कि मेरी माँ, पूजा, मेरे दोस्त सब यही सोचते कि मैं रॉकी हूँ। साहब जी मैं रॉकी नहीं हूँ, राजा हूँ साहब जी। अब जब तेरे अपने नहीं मानते, अदालत नहीं मानती, तो मैं कैसे मान लू कि तू रॉकी नहीं राजा है? साहब जी आपको याद है जब मैं जेल से छूटा था, आपने मुझे कहा था जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को विदा होने से पहले ये कहता है। वैसे ही मैं अपने हर कैदी को कहता हूँ कि बेटा ऐसा कोई काम नहीं करना जिसकी वजह से तुझे जेल वापस आना पड़े। ये तो मैं अपने हर कैदी से कहता हूँ, इसमें नया क्या कहा तूने? साहब जी आपका हर कैदी आपकी अंगूठी तो नहीं चुराता? साहब जी उस दिन आपकी अंगूठी मैंने चुराई थी। तूने? साले अंगूठी चोर, अंगूठी निकाल मेरी, अंगूठी निकाल। साहब जी वो अंगूठी बेच कर मैंने अपनी माँ के लिए साड़ी, चप्पल और सामान खरीद लिए। मैं रॉकी नहीं हूँ साहब जी, मैं राजा हूँ। रॉकी ने मेरी माँ को अपने पास रखा हुआ, वो पूजा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। साहब जी मुझे छोड़ दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। साहब जी मुझे छोड़ दो साहब जी, मुझे छोड़ दो साहब जी, मुझे छोड़ दो साहब जी। राजा देख बेटे, तेरे बगैर मैं सिर्फ 24 घंटे इस जेल को संभाल सकूंगा। 24 घंटे में तुझे है? मैं आ जाऊंगा साहब जी, मैं आ जाऊंगा। रॉकी 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 रॉकी, बस एक तुम ही बची हो जो जानती हो कि मैं रॉकी हूं। आई एम सॉरी सोनिया। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवेश्वराद साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गठबंधन कीजिए। रॉकी जेल तोड़ के आ गया। हाँ मैं जेल से भाग कर आ गया, असली और नकली का फर्क बताने। अभी तुम लोगों को पता चल जाएगा कि राजा कौन है और रॉकी कौन है। अबे बहुत हो गया तेरा नाटक। राजा तू फिकर मत कर, तू फेरे ले, हम इसे निपट लेते हैं। असलम मेरी बात समझने की कोशिश कर, ये आदमी बहुत खतरनाक है। मैं ही तुम्हारा असली दोस्त राजा हूं। हट जा मेरे सामने से, तू अच्छी तरह जानता है कि मैं तुझ पर हाथ नहीं उठा सकता। मगर हम लोग उठा सकते हैं, तू हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है, हमारे राजा का दुश्मन है तू। एक मिनट। सोनिया सोनिया उठो, इन लोगों को बताओ कि राजा कौन है रॉकी कौन है। सोनिया सोनिया उठो, इन लोगों को बताओ। सोनिया सोनिया, लेकिन तुम तो मर चुकी थी ना? उस वक्त मैंने नाटक किया था मरने का। आप जिसे राजा समझ के अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो वो राजा नहीं रॉकी है। क्या? कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। पूजा पूजा हट बुढ़िया, पूजा Oh, my God!
गाड़ियां कहां है? ढूंढ ले, इतनी गाड़ियां है, होगी किसी ना किसी एक में। Ha 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 ha
एक दंतो महाबुद्धे सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक विदेही देवी कल्याण विदेही परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुला दुलन को आशीर्वाद दीजिए। खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में।